न्याय की बात कर रहे हैं अभी आप? हम लोग न्याय की बात यही कर रहे हैं कि अभी भारत में माननीय प्रधानमंत्री जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है राष्ट्रीय पोषण मिशन, उसी के तहत हम लोग कार्यरत कर्मी बिहार में लगभग 550 लोग हैं, बिहार प्रखंड परियोजना सहायक, उसके अंतर्गत अभी कुछ दिन पहले एक लेटर जारी किया गया निदेशालय के द्वारा, जिसमें लिखा गया कि 31 अगस्त 2022 को हमारी कार्य अवधि समाप्त की जाती है। पिछले 3 वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसमें महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री का योजना है और उनका महत्वाकांक्षी योजना में ये भी योजना है कि लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन हमारी ये रोजगार देने की बात तो अलग ही, उन्होंने दिया कि नहीं दिया युवा जानते हैं, लेकिन जो है रोजगार में उनको भी छीनने का कार्य किया जा रहा है। जो हमारे राष्ट्रीय, जो भी सेंट्रल टीम के हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाहे उनके मंत्री हैं, चाहे उनके जो कर्मचारी हैं, जो भी लोग हैं, और उसी के निर्देश के अनुसार बिहार में निदेशक महोदय के द्वारा एक पत्र निर्गत किया गया, जिसमें कहा गया 31 अगस्त 2022 को हमारी कार्य अवधि समाप्त की जाती है, जिसमें हम लोग 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, कोरोना में काम किए हैं, चुनाव में काम किए हैं, कोरोना काम किए हैं, हर जगह काम किए हैं, धक्के खाए हैं। अभी जब महिला कर रही थी, अगर CDPO या कोई भी पदाधिकारी जाते हैं सेंटर वेरिफिकेशन में जाते हैं तो 2 लोग के साथ जाते हैं, लेकिन हमारी महिला पर्यवेक्षक जो परियोजना सहायक होती है अकेले जाती है दूर दराज स्थितियों में, मान लिया कि शहर के जो केंद्र होती हैं वो शहर में इजली पहुँच देते हैं, लेकिन जो गांव के अंदर के जो केंद्र होते हैं वहां पर अकेली महिला को जाना, तब भी कष्ट करके वो महिला काम कर रही है। आज उनकी उम्र चली गई है, सब कुछ हो गई है और अपने ऑफिस निकालने की बात कर रही है। इसी सारी बातों को लेकर के हम लोग यहाँ पर निवेदन करने आए थे, और हमें मुख्य रूप से निवेदन इनसे है, माननीय तेजस्वी यादव जी से, जो हमारे उप मुख्यमंत्री बने हैं और बिहार सरकार में नए सरकार में आए हैं, और हम युवाओं की एक नई आशा की किरण है, जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आज तक रोड पे कर दिया गया तो रोड पे ही रहेंगे, हम लोग रोड पे ही रहेंगे, झंडे लेके आंदोलन करेंगे, झंडा लेके आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। आप बताइए, एक तरफ तो आप एजेंडा तैयार करते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अब इतना पढ़ने के बावजूद भी, PhD करने के बावजूद भी 15,000 की सैलरी में हम लोग अभी आपके यहाँ कार्यरत हैं, तो भी उस पोस्ट को विलोपित किया जा रहा है, आखिर क्यों? एक ही नोटिफिकेशन के तहत अगर बहाली हुई है तो आप लोग दूसरा गाइडलाइन कैसे जारी कर सकते हैं? हमारे साथ क्यों ना इंसाफी हो रही है? किस बात के लिए हमें इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि हम लोग का पोस्ट ही आप विलोपित कर रहे हैं? अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप महिलाओं को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? अब सेल्फ डिपेंडेंट की बात भी हम कैसे करें जब हम खुद कमा नहीं सकते, जब कमाते हैं तो वो पोस्ट ही खत्म हो जा रही है, तो कहाँ हम लोग स्ट्रगल करें? बस मेरी सरकार से यही डिमांड है कि जिस लेटर को आपने निकाला है वो जल्द से जल्द वापस लिया जाए और हम लोग के फेवर में।